कंटिन्यू सेइंग दैट डॉक्टर साहब ने मेरे दांत में दर्द का कारण कुछ और बताया था और आप जो है वो कुछ और बता रहे हैं. इफ़ येस देन दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. माई नेम इज़ डॉक्टर शबिस्ता जबी एंड यू आर वॉचिंग क्लिनिकल डेंटिस्ट्री हब. सो टूडे बेसिकली वी आर गोइंग टू टेल आई एम गोइंग टू टेल यू दैट वट इन्फॉर्मेशन यू शुड एंड यू शुड नॉट शेयर इट टू योर पेशेंट. वट आर द advantages and disadvantages if you share wrong information to the patient. Why I am dealing with this topic today, because I have seen patient coming to me, they are saying that कि हम उस डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने हमें दांत के दर्द का कारण ये बताया है तो आप इस चीज़ का इलाज कर दीजिए. लेकिन जब हम चेक करते हैं और हमें रीज़न कुछ और पता लगता है तो पेशेंट कहते हैं कि अच्छा ऐसा है, वो थोड़े कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, जो कि बीइंग अ पेशेंट ये सही नहीं है. बेसिकली व्हाट हैपेंड लास्ट डे वाज दैट आई हैड अ पेशेंट, ही वाज 4 ईयर ओल्ड. उनकी मदर बहुत ज़्यादा परेशान थी, बच्चा खा पी नहीं पा रहा था, फेशियल स्वेलिंग बहुत थी और दांत में दर्द बता रहा था. तो वो जो एक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बोला कि इनको क्या है कि पीछे से फर्स्ट परमानेंट मोलर आ रहा है, इस वजह से इनको इतना दर्द हो रहा है और ये कुछ पेन किलर आप ले लीजिए, इनका दर्द ठीक हो जाएगा, बाकी कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है. उस पेशेंट का मैं आपको एक्सरे भी शेयर करती हूँ. ये कुछ एक्सरे था, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ भी ऐसा एविडेंट नहीं है कि अभी फर्स्ट मोलर आएगा. मोर ओवर ये तो नॉलेजेबल थिंग है कि अगर बच्चा 4 साल का है तो उसको फर्स्ट मोलर किधर से आएगा इतनी जल्दी. 6 ईयर्स ऑफ एज में अगर फर्स्ट मोलर आ रहा है तो आप ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करना पेशेंट के साथ कि वो इतना ज़्यादा वो घर में बैठे, उन्होंने दवाई दी फिर भी उनको आराम नहीं पड़ा. नेक्स्ट व्हाट द पेशेंट केम टू मी सेइंग दैट ऐसे ऐसे कंडीशन है, आई जस्ट टुक दी एक्सरे एंड यू कैन सी दी एक्सरे इमेज ओवर दी, यू कैन ईजली सी दैट द डी दैट इज दी फर्स्ट प्राइमरी मोलर, देर इज सो मच रेडियोलूसेंसी ओवर देयर. So when I did the access opening, huge amount of pus was draining from there. And the next day, patient got so much relief from the pain. He was eating like regularly, swelling also reduced. Now we have done the obturation also and crown is also given. So you can see how much you are troubling the patient by giving false information. I don't understand that. Is it that tough to say to the patient that we don't offer this treatment over here? We are referring you to the higher specialty. हमको भी अगर कोई treatment नहीं आएगा तो हम उसको गलत नहीं करेंगे. नहीं आता है तो बहुत easy सा शब्द है कि हमारे यहाँ ये इलाज नहीं होता, आप please इस doctor के पास चले जाइए या किसी और doctor के पास चले जाइए. आप भले ही name मत mention कीजिए पर एटलीस्ट आप गलत information share करने से तो बच जाएंगे. ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब आप कोई भी information patient को pass करते हो, आप खुद सोचो अगर आप किसी डॉक्टर के पास पेशेंट बन के जाते हो, फिर आप घर आते हो, आप खुद सोचते हो कि डॉक्टर साहब ने ऐसा बोला है तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, मुझे क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, सब करने के बाद भी आपको आराम ना मिले फिर आप क्या करेंगे? आप खुद तो जाएंगे ही ना दूसरे डॉक्टर के पास, तो किसी के साथ ऐसा क्यों खिलवाड़ करना. नहीं आता है तो इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान होता है कहना कि हम लोग के यहाँ ये ट्रीटमेंट नहीं होता, आप प्लीज़ दूसरे डॉक्टर को जाके दिखा लीजिए, ताकि पेशेंट भी चला जाए. ऐसा ना हो कि आपने गलत बता दी, दवाइयाँ दे दी, दवाइयाँ लेते जा रहा है फिर भी आराम नहीं पड़ रहा है. ऐसा क्या है, ट्रीटमेंट का टाइम भी जा रहा है, जो दांत बच सकता था हो सकता है कि हमें वो दांत निकालना पड़े, ऐसी कंडीशन भी आ सकती है. तो इसलिए कहते हैं कि नेवर ever share any false information to the patient. अब बहुत से मैंने देखा है कि लोग implant करते हैं, कहते हैं कि हम थोड़े कम पैसों में आपका implant डाल देंगे, patient भी खुश हो जाता है, डाल देते हैं. अब वो implant करते हुए क्या बोलते हैं, अरे रे रे कि आपकी तो जो बोन की वेथ है वो बहुत कम है, हमें आर्टिफिशियल बोन ग्राफ्ट डालना पड़ेगा, एक आर्टिफिशियल हड्डी वहाँ डालनी पड़ेगी जिसकी वजह से आपकी बोन की वेथ जो है वो रेस्टोर हो सके और implant अच्छे से वहाँ टिक सके और ग्रो कर सके. और फिर जो पैसा उन्होंने इम्प्लांट का कम किया है वो बोन ग्राफ्ट डालने के बाद वो पैसा उसे बराबर कर लेते हैं कि हमने ये एक्स्ट्रा चीज़ डाली तो वो पैसा हमारा बराबर हो गया. ये चीज़ भी गलत है क्योंकि आप अगर इम्प्लांट डाल लें तो इससे पहले ही आप पेशेंट का CBCT ज़रूर कराते हैं जिससे आपको बोन थिकनेस एनालिसिस वगैरह हो जाता है. तो अगर आप लोग भी ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज़
ऐसा मत कीजिए, क्योंकि कोई भी किसी भी तरह से ऐसे पैसा कमाना कि जिससे पेशेंट को आप गलत मिसलीड कर रहे हैं, बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम अपने काम में परफेक्ट हैं, हो सकता है मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, बहुत गलतियाँ होती हैं, सबसे हो जाती हैं छोटी मोटी गलतियाँ, बट ये है कि हम कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते। अगर हमसे वो काम नहीं होता है तो ऐसा नहीं है हम भूलेंगे और फिर बाद में पेशेंट से एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। अब खुद देखिए, वो पेशेंट 3 दिन से दवाई खाए जा रहा था, उसे आराम ही नहीं है, वो इतना ज़्यादा परेशान होकर इतनी स्वेलिंग के साथ आया कि पूरा गाल लाल, स्वेलिंग इतना, बच्चा रो रहा है इतने परेशानी में, क्या हुआ? अगर आपके घर का बच्चा होगा तभी भी क्या आप यही करेंगे? ज़रा गौर कीजिएगा मेरी बात को। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना ज़्यादा ज़रूरी समझा, क्योंकि पिछले 2 दिन से मुझे ऐसे पेशेंट देखने को मिले जिनको मिसलीड किया गया दूसरी जगह से। एक्चुअली थोड़ा वॉइस मॉड्यूलेशन आपको देखने मिल सकता है, क्योंकि मुझे थ्रॉट इन्फेक्शन है, काफ़ी टाइम से है, जो भी थोड़ा बहुत ठीक हुआ है, इसलिए आजकल वीडियोस भी नहीं आ रही थी। नाउ रेगुलर वीडियोस विल बी अपलोडेड। आई ट्राई टू रन माई दिस यूट्यूब चैनल इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे फ्रॉम नाउ एंड वर्ड। सो दोज हु हैवंट सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ क्लिक द सब्सक्राइब बटन। सो इन द एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट डू नॉट मिसलीड द पेशेंट बाई सेइंग रॉन्ग थिंग। वाई टू डू? जस्ट टू अर्न अ एम्पल अमाउंट ऑफ मनी? यू वॉन्ट टू मिसलीड द पेशेंट? प्लीज़ डोंट डू दैट, बिकॉज मिस इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी डेंजरस। यू शुड टेक केयर ऑफ इट बिफोर यू शेयर इट। सो दोज हु हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ क्लिक रेड कलर सब्सक्राइब बटन। एंड येस ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर द चैनल एज मच एज यू कैन शेयर इट, सो दैट मोर नंबर ऑफ पब्लिक कैन सी दिस वीडियो एंड दे कैन जस्ट, यू विल बी सेफ बाई गेटिंग मिसलीड। मोस्ट ऑफ यू विल बी सीइंग दिस वीडियो, मोस्ट ऑफ यू विल बी सीइंग दिस वीडियो विल बी थिंकिंग दैट कि डॉक्टर साहब जैसे कभी वो खुद गलत नहीं बोलते होंगे कि वो दूसरों के लिए ऐसा वीडियो बना रहे हैं। आई हैव नो हेट फीलिंग फॉर एनी वन, आई एम जस्ट शेयरिंग इट इन अ वेरी सिंपल वे, सो दैट एक नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन है वो सबको मिल सके, ताकि लोग जब परेशान होते हैं तो वो बिल्कुल देखा नहीं जाता। अगर आपके घर वाले परेशान हो, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर पर जाएँ, तो आपसे भी नहीं देखा जाएगा। इससे बढ़िया कि जो काम आपके क्लिनिक में नहीं होता, आप सीधे पेशेंट को मना कीजिए और उन्हें हायर सेंटर में रेफ़र कर दीजिए। भले आप किसी डॉक्टर का नाम लेकर मत रेफ़र कीजिए, आप किसी भी डॉक्टर पर भेज दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जाने से पहले लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और रेड कलर का सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल से जुड़ी हुई ज़रूरी से ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से टाइम मिलती रहे। टेक केयर, बाय बाय।